અરે પુરુષોત્તમભાઈ કેમ છો? એ લોકોએ હા પાડી દીધી છે. બસ બસ બસ, તમે મને ઈમેલ કરી દો ફોટા ને બધું. હા સુધા બેન. ઓકે ઓકે. હા કસ્તુરી બેન બોલો, કેમ છો? શું બોલો બોલો, આપ નહીં ચાહતે કે મેરા દી બુજ જાય, ઉસસે પહેલે મેં અપની પોતી છન છન કે હાથ પી લેકર જાઉં? હે અરે કસ્તુરી બેન, એસે રોજ રોજ લડકી કો દુલ્હન બનાકર યહાં લાને સે થોડી દુલ્હા મિલ જાયેગા? અરે ભાઈ લડકા હે, પીસા થોડી હે, જો ઓર્ડર દિયા ઓર 30 મિનિટ મે તૈયાર હે. અરે શું કરો છો? અરે 30 મિનિટ મે નહીં, લેકિન 30 સાલ મે તો મિલે ના હે. અગર આપકો મેરી લડકી કે લિયે મુરતિયા નહીં મિલતા હે તો બંધ કર દો યે તુમ્હારા મેરેજ બુરો. અરે થોડા સબર રખો. અરે શું સબર રખે, જોડિયા તો ઉપર સે બન કે આતી હે. તો ક્યા મેં આપકે લિયે રાહ દેખું કે કબ આપ ઉપર જાએ ઓર કબ મેરી લડકી કે લિયે એક અચ્છા સા મુરતિયા નીચે ફેંકે? હે કસ્તુરી બેન, આપ નારાજ મત હોઈએ. નારાજ મત હોઈએ, દેખો હર ચીઝ કી એક ઉંમર હોતી હે. હા, ઓર આપકી છનછન કી અભી શાદી કરને કી ઉંમર તો બીત ગઈ હે. લેકિન હા, એક લડકા હે મેરે ધ્યાન મે હે. અગર આપ થોડા બહોત એડજસ્ટ કરને કો તૈયાર હે તો ફિર મે બાત કરતી હું. અરે કર લેંગે કર લેંગે. બુલાતી હું, અભી બુલાતી હું, રુકો. યુયુ બેટા. યુયુ? હાં, જૈસે છન છન વૈસે યુયુ. છન છન યુયુ યુયુ. અરે આપ ઈને તો કહા થા કે આપકી પોતી કો કુત્તો સે બહોત પ્યાર હે, તો ફિર ચહેરે મે થોડા બહોત આપ એડજસ્ટ કર લો, બાકી ઉમર મે વો એડજસ્ટ કર લેંગે. યુયુ બેટા નમસ્તે કરો દાદી કો. કાર્તિક, કાર્તિક, મેં એક બહુ બુરા સપના દેખા. અરે ડોબા, આમામ આમામ શું કરે છે? બડા અજીબ સા સપના થા. સપને મેં મેને દેખા કે અપની છછત કી શાદી હો રહી હૈ કુત્તે સે. કુત્તે સે? હા, પૂરા શરીર ઉસકા ઇન્સાન કા ઓર ચહેરા કુત્તે કા. હા હા, નમસ્કાર ભી મુજે બોલા. બોલ. હા, ઓર ઉસકા નામ ભી થા યુયુ. યુયુ? હમ કુત્તો કો બુલાતે હૈ ના યુયુ. જમાઈ ઓર યુયુ? હા બાપા. શુભ શુભ બોલ. શુભ શુભ. બા બા બાપ, એક કામ કીજીએ. આપ આપ ગાયત્રી મંત્ર પઢીએ. गायत्री मंत्र पढ़ेंगी तो ऐसे बुरे सपने नहीं आएंगे. ठीक है बा? चलिए गुड नाइट. कार्तिक. शुभ रात्रि बा. कार्तिक, कैसा बाप है ये बेटी का, किसी को इस घर में छनछन की शादी की पड़ी नहीं. लगता है मुझे और गायत्री माँ को ही सब कुछ करना पड़ेगा. शुभ शुभ बोल. शुभ शुभ सोच. Good boy. Sit down. Relax. Very good. Ginger, come here. Good boy. यहाँ से कोई नहीं हिलेगा, और खबरदार जो किसी ने जिंजर के बिस्किट खाने की कोशिश की तो. चंचन, देखो जिंजर, तुम्हें लेने तुम्हारी आंटी आ गई. चलो. आंटी नहीं, मम्मी कहो. मैंने इसे गोद ले लिया है. सॉरी मम्मी. देखो जिंजर, मम्मी आ गई. ओके सिट डाउन. गुड बॉय.
हैंडशेक करो। गुड बॉय। नमस्ते करो। चंचन बैठ। अरे चंचन तुमने तो कमाल ही कर दिया। कमाल तो इसने कर दिया, सब कुछ इतनी जल्दी सीख लिया कि मेरा काम आसान हो गया। अब इसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, अब आप इसे घर ले जा सकती है। थैंक यू सो मच। ये तुम्हारे 10 सेशंस के ट्रेनिंग के 7,500 रुपए। थैंक यू। चलो चलो अब घर चलेंगे, पापा तुम्हारी राह देख रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ खाने को मंगाया है। विनीता बहन एक मिनट, वो क्या है ना, जिंजर को दिन में सिर्फ 3 बार खाना खिलाना है। आप जितनी बार खाती हो उतनी बार नहीं। नॉटी गर्ल। चलो जिंजर हम सिर्फ दिन में 3 बार खाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बता दिया ना सबको? नहीं बाप, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। चल चल झूठा, ये अभी बंदर ऋग्वेद जो हंसते हंसते गया ना उसमें तेरा सब झूठ पकड़ा गया। लेकिन सुन, मुझे कोई शर्म नहीं है, सपना देखा तो देखा, उसमें क्या शर्माना। तुझे अपनी छनछन की शादी की चिंता नहीं है लेकिन मुझे है। राइट, सही है, बिल्कुल सही। इसीलिए मैंने ये पेंटिंग बनाई है बाप, और इस पेंटिंग को मैंने नाम दिया है बा के अज्ञात मन का भय। बेटे ये मन का अज्ञात भय नहीं है मेरा, ये तो बूढ़ी दादी की फिक्र है। क्या अनोखा परिवार है मेरा। यहाँ मेरी छनछन की शादी की उम्र बीती जा रही है और सब अपनी अपनी मस्ती में है। मिसेस कार्तिक, क्या आपको अपनी बेटी छनछन की शादी की चिंता नहीं है? बा, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क होता है। अरे आप इतिहास उठाकर देख लीजिए ना, जब जब जो जो होना होता है तब तब वो होता है। मिसेस मैथिली कार्तिक सारा, इतिहास की प्रोफेसर। लो बोली, जब जब जो जो होना चाहिए तब तब वो होता है। लेकिन मैं कहूँ जब जब जो जो होना चाहिए तब तब वो नहीं होता, इसीलिए ये बुढ़िया को सब होता है। बुरे बुरे सपने जो आते हैं कुत्तों के। दादी माँ नाश्ता तैयार है। एक से एक नमूना भरा पड़ा है मेरे परिवार में। ये मेरा बेटा मॉडर्न आर्ट पेंटर। थैंक यू बा। और ये बहू इतिहास की प्रोफेसर। दादी माँ नाश्ता तैयार है, चलो। और ये पोती छछुंदर, वो क्या कहते हैं, अरे ये क्या रुशाली, ये सैंडविच बेबी तूने टाटा बना दिया। टाटा? दादी माँ टाटा नहीं, टैटू है ये। अहमदाबाद की मशहूर टैटू मेकर हूँ मैं। क्या जमाना आ गया है। जमाना क्या आ गया दादी, आपके जमाने में भी तो होता था ये, देखो आपके हाथ में भी तो है ये टैटू। ए छोकरी, इसे तेरा टट्टू नहीं, इसे छूंदना कहते हैं। छूंदना? छूंदना? हमारे वक्त में भगवान का नाम लिखवाते थे, श्री कृष्ण शरणम मम वाच। आजकल तो बॉयफ्रेंड का नाम लिखवाते हो, आई लव यू। दादी माँ चीज नहीं चाहिए है इसमें। दादी माँ इस चीज का मतलब होता है स्माइल। स्माइल कीजिए। ए मत खींच मेरी फोटो। क्या हो गया दादी माँ, तू हमेशा मेरी फोटो गंदी निकालता है। दादी माँ ये तो मेरा बड़प्पन कि मैं इंसानों की भी फोटो खींचता हूँ। यू सी आई एम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। दादी माँ, आपकी कभी फोटो बुरी आ ही नहीं सकती क्योंकि आप तो गिर फॉरेस्ट की शेरनी है, एकदम झाझरमा ग्रेसफुल स्माइल। मेरे दादाजी भी यही कहा करते थे। यही कहते थे। स्माइल कीजिए। स्माइल कीजिए।
नाइस। अच्छी निकालना। बहुत बहुत बढ़िया। देखिए ये फायदा उठाया। फोटो फोटो बाद में, पहले ये बता कि जिसकी वजह से ये पूरी रामायण शुरू हुई है वो कहाँ है? कौन कहाँ? अरे छनछन, छनछन कहाँ है? चलो यहाँ 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 यहाँ। जो आ गई कुत्तों की ट्रेनर। ये भगवान, ये मूर्खी को भी अपनी शादी की फिक्र नहीं है। दादी माँ अपनी शादी की तो तैयारियां करा रही है। कैसे? अभी कुत्तों को ट्रेन कर रही है, शादी के बाद अपने पति को ट्रेन करेगी। ये वाइडा, मेरी बात को मजाक में मत उड़ा दे। हाँ बहुत हो गया मजाक। वैसे दादी माँ, मैंने सुना कि आपने सपना देखा कि मेरी शादी किसी डॉग से हो रही है। दादी माँ, अगर मेरी शादी किसी डॉग से हो जाए तो भी चलेगा। लो, यही सुनना बाकी रह गया था। ऐसी बावली लड़की है ये। कार्तिक इधर। हाँ बा। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अब मैंने क्या किया? अरे तू इसके हर जन्मदिन पर एक कुत्ता लाके गिफ्ट में देता है। अरे भगवान, अब एक अच्छा सा लड़का लाके दे उसे। और बहू, इसको स्कूटर चलाना सिखा दिया तुमने, लेकिन छनछन को रोटी बनाना कब सिखाओगी? बा, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो चाय तक नहीं बनाने आती थी मुझे। आपने माँ बनकर सब सिखा दिया ना, क्या पता इससे भी मिल जाए माँ से बेहतर सास। काश तेरी बात सच निकले बहू, लेकिन ये कुत्तों की भाषा समझने वाली लड़की अपने सास के मन को समझ पाए तो अच्छा है, वरना शुभ शुभ सोच, शुभ शुभ बोल, पर शुभ शुभ सोच। ओके चिल्ड आउट फैमिली, आज चिल आउट करने का दिन नहीं है। याद है ना आज पूर्वी की शादी है एंड मॉम डैड आप लोग इनवाइटेड है। डोंट वरी, हमें याद है, हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे। ओके थैंक यू। हे भगवान, मैं तो लेट हो जाऊंगी, मुझे पूछ-पूछ को भी तैयार करना है। अरे तू पूछ-पूछ को भी लेके जा रही है? मम्मा आप तो जानती हो ना, पूर्वी पूछ-पूछ से कितना प्यार करती है। उसने साफ साफ कह दिया कि छनछन तू नहीं आएगी तो चलेगा, लेकिन पूछ-पूछ को हग किए बिना मैं विदाई नहीं लूंगी। भगवान वो भी तो लेके जाना है। करिश्मा, छनछन का कुछ पता चला? नहीं यार, कहाँ रह गई है? इसे कहा था जल्दी आने, अब तक नहीं आई वो। चुपट कहीं की, और वो भी नहीं लाई। पता है अश्का, इस वक्त हमारे साथ दो बातें हो सकती है, या तो हम लेट हो जाएंगे या हम टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे। पता है सिंपल, तू हमेशा दो चॉइस देती है पर बात एक ही करती है। हाँ तो जिंदगी कौन सा हमें चॉइस देती है? जिंदगी चॉइस नहीं देती है ना, तो तू तो दे। तू ना समझ नहीं रही। देख मैं समझाती हूँ। ओहो चुप कर जाओ मेरी डाकू हसीनाओ। ओके एक दूसरे के साथ बाद में आराम से फुर्सत में झगड़ लेना, पहले पता लगाओ कि छनछन कहाँ पे है। हाँ करिश्मा एक काम कर, तू छनछन को फोन लगा। एक मिनट तू तो दूल्हे से भी हैंडसम लग रहा है। हे भगवान, तुझे तो तैयार कर दिया, मुझे भी तो तैयार होना है। हाँ शिखा बस 15 मिनट में आ रही हूँ, डोंट वरी। वो भी तो पिक करना है।
गई यार वो, उसने 15 मिनट बोला था ना। हाँ यार, कब से हमें ऐसे कार्टून बना के रखा हुआ है, और वो है कि अब तक वो नहीं लाई। आई नो, वो जैसी आएगी ना हम तीनों उस पर भड़केंगे। ओके हाँ, और इसके लिए भी मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। हेलो गर्ल्स, वो लेकर आई? नहीं, मैं तो उस बैग में कद्दू उठा के लाई। अच्छा खोल ना। Grab your sarees, girl. ये लो, तुम्हारी रेडीमेड सारीज। रेडीमेड सारी? हाँ, इसलिए तो मैंने कहा था कि जीन्स पहन के रखना, ये पहले से ही सिली हुई है, बस स्कर्ट जैसे पहनना है। एक मिनट दिखाती हूँ, 5 तक गिनो, तब तक मैं पहन भी लूंगी। 1, 2, 3, 4 और पहन लिया। टंटन। ओह माय गॉड, हाउ कूल इट इज, सो सिंपल। पता है साड़ी का नाम सुनते ही ना मैं तो डर ही गई थी। और याद है लास्ट टाइम जब मैंने साड़ी पहनी थी, मेरी प्लीट्स निकल गई थी और आशका वो तो साड़ी में गिर गई थी। याद है मुझे, इसलिए तो ये रेडीमेड साड़ीज का आइडिया निकाला। अब शादी करने के बाद शादी को संभालना पड़ता है, निभाना पड़ता है, वैसे ही साड़ी पहनने के बाद उसे संभालना पड़ता है और निभाना पड़ता है, इसलिए रेडीमेड साड़ीज, साड़ी की साड़ी, कूटी चलाने की आजादी, स्टाइल का स्टाइल और चेहरे पे स्माइल। छनछन, तू हमारी प्रॉब्लम समझती ही नहीं है, बल्कि अनोखे स्टाइल से सॉल्व भी कर देती है। दिखाओ दिखाओ। वाओ, सुपर्ब। क्या वाओ वाओ, जाके तैयार हो जाओ, जाओ। दिखा दिखा। Oh, so cute. अच्छा सुन, अब जल्दी से इसे डिस्प्ले पर अच्छा बना दे। और कैप्शन क्या रखूं? गैंग्स ऑफ वस्त्रपुर। यार चंचन, तुझे इतने अच्छे आइडियाज आते कहाँ से हैं? हाँ। दिमाग से, जो तुम लोगों के पास है नहीं। चंचन बड़ी शैतान है तू। अरे फोन बज रहा है, उठाओ तो सही। हे भगवान, पूर्वी का फोन है। ठीक है, हम पूर्वी से कहेंगे कि हम निकल चुके रास्ते में। ओके हाँ, yes. मैं गाड़ी के फोन की आवाज निकालू? नहीं, लास्ट टाइम भी तूने ट्रेन की आवाज निकाली थी और तेरी वजह से हम फंस गए थे। अब मैं फोन उठाऊ? हाँ पूर्वी, हम निकल गए रास्ते में। मतलब तुम लोग अभी तक नहीं निकले ना? आज के दिन ही लेट होना था। सुना पूर्वी, रो मत, आज मत रो, आज तो तेरी शादी है, अब तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। कौन सा मेकअप? मेकअप वाली भी अभी तक नहीं आई। अच्छा तो रो ले। तुम लोग क्यों मुझे और रुला रहे हो? मेरा हेयर स्टाइलिंग भी बाकी है, मैं हॉल कब पहुंचूंगी और ये सब कब होगा? अच्छा ठीक है ठीक है पूर्वी, तो टेंशन क्यों ले रही है, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी आज रो के क्या फायदा, शादी के बाद तो रोना ही है। मैं फोन रख रही हूँ। अच्छा सुन 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 सुन, सुन पूर्वी। सॉरी। क्या पूर्वी, आज का दिन ही तो है जो हम तेरे साथ ऐसे मजाक कर सकते हैं, आज के बाद हम ऐसे कहाँ मिलेंगे? अच्छा सुन, अब तू टेंशन मत ले, हम बस निकल रहे। ओके ओके। अच्छा सुनो, तुम लोगों को पता है ना मैंने 11 दिन का व्रत रखा था। हाँ हाँ, वो हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। अरे नहीं, अच्छी सास के लिए। आजकल सास अच्छी होना तो मैरिड लाइफ अपने आप अच्छी हो जाती है। आई नो, वैसे हस्बैंड्स तो इतने ओपन माइंडेड होते हैं, और जो नहीं होते हैं हम उन्हें बना देते हैं। Exactly. मैं तेरी बात से ना सहमत हूँ भी और नहीं भी। हेलो, तुम लोग कहाँ बीच में अपनी अपनी गाड़ियाँ घुसा रहे हो, कोई मेरी भी तो सुन लो। हाँ पूर्वी बोलना। मैंने जो 11 दिन का व्रत रखा था उसका आज 11वां दिन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं मंदिर जा पाऊंगी, और मंदिर का प्रसाद खाए बिना व्रत पूरा नहीं होगा।
क्या तुम में से एक कोई आते वक्त विष्णु जी के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा सकते हो मेरे लिए? मैं प्रसाद खा के ही फेरे लूंगी। ओके डन, जल्दी से फोन रख वरना वहां पहुंचेंगे नहीं। ठीक है जल्दी। ओके बाय। आना। चलो चलो। एक मिनट, तुम सब कहां जा रहे हो? तुम दोनों पुछ को लेकर पूर्वी के घर जाओ और फिर मैरिज हॉल, और तुम मेरे साथ बाइक पे आ, हम प्रसाद लेके सीधा मैरिज हॉल पहुंचेंगे। ठीक है? गुड आइडिया। लेकिन इसमें भी मेरे पास दो बातें। नहीं, अब चल। मैंने कहा था ना, साड़ी की साड़ी और स्कूटी चलाने की आजादी। अरे धीरे धीरे, संभल के संभल के। धीरे चलाऊंगे तो मंदिर नहीं पहुंचेंगे, मंदिर बंद हो जाएगा। इसमें भी दो बातें हो सकती हैं। नहीं नहीं, तो प्लीज प्लीज, एक्सीडेंट हो जाएगा। ओ ये देखो। ओके। ओम नमो नारायणाय नमः। जल्दी चल, मंदिर बंद होने का वक्त हो गया है। मंदिर तो बंद हो गया। ओह नो। पंडित जी एक मदद करेंगे? वो दरअसल हमारी दोस्त का व्रत है और आज उसका आखिरी दिन है। वो यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए हमें दर्शन करके उसके लिए प्रसाद ले जाना है। बस दो मिनट के लिए मंदिर खोल सकते? नहीं बेटा, अब मंदिर नहीं खुल सकता। प्लीज पंडित जी, आज उसकी शादी है और प्रसाद खाए बगैर वो फेरे नहीं लेगी। देखो बेटा, विष्णु जी अब सो गए हैं, अब मैं उन्हें जगा नहीं सकता। छाता ऊपर करो। सेठानी जी आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। पंडित जी ये लीजिए। आइए आइए, हम आपके लिए दर्शन की व्यवस्था करते हैं। आइए। पंडित जी आप तो अभी अभी कह रहे थे कि मंदिर बंद है क्योंकि विष्णु जी सो रहे जी। वो तुमने हमारी पौराणिक कथाएं नहीं सुनी? हमारी पौराणिक कथाएं हमें क्या सिखाती? कि सोए हुए विष्णु जी को सिर्फ लक्ष्मी जगाती है। ये गलत है पंडित जी, आप ऐसे भेदभाव कैसे कर सकते हैं? और वो भी भगवान के दरबार में जहाँ एक ही नियम होना चाहिए। अरे बेटा, ये हमारे वीआईपी भक्त हैं और वैसे भी बड़े बड़े मंदिरों में वीआईपी लोगों के लिए अलग अलग नियम होते हैं। ये ठीक नहीं है पंडित जी। क्या ठीक है और क्या नहीं, ये समझने और समझाने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। छोटी हूँ इसलिए तो कह रही हूँ, हम अपने बड़ों से क्या सीखें कि रिश्वत दे के काम निकालना चाहिए। तुम्हारी उम्र ही नहीं, सोच भी छोटी है। पंडित जी को दी हुई पवित्र दक्षिणा को रिश्वत कहती हैं आजकल की ये मॉडर्न मुंह चढ़ी लड़कियां। चलिए चलिए पंडित जी, मुझे देर हो रही है। एक मिनट चंचल। अब आंटी हम सॉरी हैं, हम भी आपके साथ प्रसाद चढ़ा ले? तो अगर जाने देना चंचल, पूर्वी के लिए पूर्वी का व्रत अधूरा रह जाए। चल चल कर प्रसाद चढ़ाते ताकि उसका व्रत पूरा हो जाए। हाँ हाँ, कर लो दर्शन, चढ़ा लो प्रसाद। लेकिन एक बात याद रख कि तुम्हारी दोस्त का व्रत पूरा हो रहा है सिर्फ मेरी वजह से। जी आप सही कह रही हैं। थैंक यू आंटी। तुम थैंक यू नहीं कहोगे? जी थैंक यू। भगवान सबका भला करे और शुरुआत मुझसे करे। हे भगवान, कैसी औरत है ये? भगवान करे पूर्वी का व्रत भले और उसे ऐसी सास ना मिले। भगवान करे ऐसी सास किसी को भी ना मिले।
करेज है, जल्दी जल्दी कर। सुमति बहन, हाँ? अभी तक जान नहीं आई। तुम फिक्र मत करो तुषार, तुम सेठानी जी को फोन करो ना, वो भी अभी तक नहीं आई। हाँ हाँ, जल्दी जा और देख कि पूर्वी तैयार हुई कि नहीं। जी वो। आज मेरे ससुराल जाने का दिन है, मैं ठीक लग रही हूँ ना? कुछ मिसिंग तो नहीं लग रहा? बोलना बोलना कुछ कुछ। पूर्वी तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो, है ना आशिका? सच, तुम आज बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। देखा, मैं तुझे कब से बोल रही हूँ, पर तू है कि मेरी बात ही नहीं मान रही है। You're looking beautiful. परी लग रही है, परी। सच सच में पूछे, आज तो इतनी खूबसूरत लग रही है कि जो भी तुझे देखेगा ना, बस देखते रह जाएगा। तू कह रही है ना, तो लग रही हूँ। जैसे जैसे शादी की घड़ी नजदीक आएगी, जुदाई का गम बढ़ता जाएगा। अभी से ही रुलाएगी। अच्छा चलती, ये ले तेरा प्रसाद, मुंह खोल। पता है पूर्वी, आज मंदिर में क्या हुआ? आज कुछ नहीं। थैंक यू चंचल, प्रसाद के लिए भी और कुछ कुछ के लिए। चलो चलो, अब तुम सब बहुत इमोशनल हो रही हो। अच्छा एक काम करते हैं, हमने जो इसके लिए सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया है वो इसे अभी दे दे। हाँ, नहीं सरप्राइज रहने दो ना चंचल, दिस इज नॉट फेयर। दोस्त को गिफ्ट बता के और जता के देने में ही मजा है। टन टन, तुम लोग मुझे मैगजीन गिफ्ट कर रहे हो? ओहो नहीं बाबा, वेट, ये तुझे हमेशा से ये नेकलेस चाहिए था ना? मतलब तुम लोग मुझे ये नेकलेस गिफ्ट कर रहे हो? और क्या, तुझे क्या लगा तेरी सहेलियां इतनी कंजूस है? बड़े दिल वाली है तेरी सहेलियां। ये तो बहुत महंगा होगा। 1,25,000 का है। इतने पैसे क्यों खर्च किए? हम सब ने मिलकर 25,000 निकाले। पर तुम तो 4 हो ना, तो मिला के 1,00,000 हुआ। तेरे भी तो 25,000 हुए तेरे किटी से। याद है ना, हम हमेशा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, गिफ्ट हो या लाइफ, सबका हिस्सा बराबर का। पता नहीं आज के बाद हम 5 ऐसे कब गले मिल पाएंगे। एक काम करते, हम अपने 5 कसम ना फिर से दोहराते हैं। हम अपने पति को दोस्त बनाएंगे और महीने में एक बार उसका पेडिक्योर करवाएंगे, और सास को माँ बनाएंगे, महीने में कम से कम 2 इंग्लिश फिल्में दिखाएंगे। हम अपनी लाइफ में सब कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, सुख दुख सब कुछ, समाज के लिए जो हो सकता है वो करेंगे, और ना हम कभी दहेज लेंगे ना देंगे। अब मैगजीन वाला गिफ्ट ही दोगे या असली गिफ्ट भी है? हाँ आशिका लिया ना, अभी लेकर आए। पर छनछन, गिफ्ट तो मैंने तुझे कल दिया था ना, फिर तूने ही रखा होगा, मेरे पास तो नहीं है। अरे हाँ, कल से मेरे स्कूटी के डिक्की में पड़ा है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब सुन, तू पूछ को लेकर मेरे साथ चल, उसके सुख का टाइम है। आई छोटे साहब। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.